जो प्री एग्जाम है वो प्री एग्जाम है, शिक्षा पात्रता परीक्षा प्री एग्जाम है, उन्होंने 60 और 50 और जो मेंस होगी उसमें 40 और 50 एक ही एग्जाम में 2 मापदंड कैसे होंगे, और इसके कारण यह हुआ कि हजारों विद्यार्थी पास ही नहीं हो पाए। असल में सरकार चाहती नहीं है रोजगार देना, ये नौटंकी है, ये चुनावी साल है और चुनावों में युवाओं को भ्रमित करने का इनका जाल है और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षकों के खाली पड़े हैं, हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट भर्ती करिए, हम लोग एक परीक्षा होना चाहिए जिसमें सभी जितने भी अभ्यर्थी है सब लोग शामिल होना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल, जब बच्चा तैयारी के साथ जाता है और कंप्यूटर जाए अपना एग्जाम देता है ऑनलाइन, उसमें देखते हैं कि पेपर ही गलत हो रहा है, 37 क्वेश्चन गणित के डिलीट कर दिए गए। आप बताइए इसमें कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश का नौजवान जिम्मेदार नहीं है इसमें, ये सरकार जो मूल दर्शक बनकर देख रही है इसका तमाशा, ये इसका जिम्मेदार है। यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार है जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है कि गणित के अंदर 37 क्वेश्चन डिलीट हुए? क्या इनको पता नहीं है कि हिंदी के अंदर क्वेश्चन डिलीट हुए? क्या आपको पता नहीं है महोदय कि उर्दू के अंदर क्वेश्चन डिलीट हुए? आखिर ये भ्रष्टाचार क्या हो रहा है? जवाब दे, और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये संस्था सुधारी नहीं जाती है, जो हमारा भविष्य खराब करेगा आंदोलन जारी रहेगा।